वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 10 होगा। ओके फ्रेंड, ये हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज सॉल्व करेंगे। अभी आप बोलोगे भाई, दो क्वेश्चन के लिए तुम एक लेक्चर क्यों क्यों स्पेशलिस्ट रखे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 6 के इतना इजी आपको पूरे एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बट ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बोरिंग वाला है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए मैंने लेके आया। अगर और आप प्रीवियस मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना। ओके, चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ डाउट होगा आप तक का तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो यार, कुछ फार्मूले के डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट के कि ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा। और दोस्तों एक बात और, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरी से ही मिस्टेक हो जाता है, कभी प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस होता है। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो बताने का कमेंट बॉक्स में लिखे कि देखो आपसे मिस्टेक हुआ है। चलो टाइम पास नहीं, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा हम लोग से, द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए 3-4 दिया है, बी दिया है 2-0 एंड सी दिया है 1-6। फाइंड द इक्वेशन। हम लोग को ये तीन क्वेश्चन ए बी सी फाइंड करना, बट एक चीज आप लोग करेक्शन कर लो। क्या हुआ, क्या कौन सा क्वेश्चन, देखो ये जो जो सी दिया ना 1 और 6, इधर 1 और 6 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा -1। ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, इधर -1 और 6 आएगा। अगर आप 1 और 6 को लेकर सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली 110% रॉन्ग हो जाएगा, 110% आपका आंसर रॉन्ग आएगा। लिख के रख लो, विश्वास में नहीं है तो सॉल्व करके चेक कर लेना आंसर। तो शुरू करते हैं, पहले कर देखो। हम लोग को पूछा ए बी सी, इसके ऊपर तीन क्वेश्चन। पहला क्या पूछा, साइड बी, आप बी सी को फाइंड करो। बी पूछा है द मीडियन ए डी, सी पूछा है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन से चलो सॉल्व करना शुरू करते वन बाई वन। सबसे पहले मैं ए को सॉल्व करता हूँ, उसमें क्या पूछा है साइड बी सी, साइड बी सी मुझे नहीं निकालना है। ओके, तो मैं आपको लिए ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो ये समझने के लिए जैसे कंपलसरी ये नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर आप भी पेपर में बना के आओगे तो मार्क्स नहीं खटेगा। मेरी मानो तो बना देना, क्या ए बी सी ए डी है, ए डी है। ओके, ए डी है, मुझे भाई गिवन भी तो है, मेरे पास क्वेश्चन से ऑलरेडी सारे पॉइंट दे के रखे थे, मैं पॉइंट सारे लिखूंगा। ए का पॉइंट मेरे पास है 3-4, बी का पॉइंट है 2-0 एंड सी का पॉइंट है -1-6 मत करना, -1-6। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है साइड बी सी, तो मुझे बी सी फाइंड करना है, तो भाई मैं सिर्फ बी और सी के कोऑर्डिनेट को देखूंगा। बी का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है 2-0, सी का मेरे पास कोऑर्डिनेट है -1-6। इसको सॉल्व करूँ तो हम लोग का ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये हम लोग का x2 होगा और ये हम लोग का y2 होगा। ओके, अब आपको देखो, अब आपको देख के ये आपको ये फाइंड करना है, अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे फाइंड होगा। ओके, मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके बताए थे, पहले आप इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप समझोगे, मैं तो आपको बता दूंगा। अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया या तो इसी क्वेश्चंस में नंबर ऊपर नीचे टीचर्स ने दिया तो कैसे सॉल्व होगा। देखो आप पहले समझो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या इसमें आप सोचो, इंटरसेप्ट लगेगा, जो इंटरसेप्ट कहीं है बोला है नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब एक ही लाइन और एक पॉइंट नहीं, ये भी नहीं, इसमें तीन पॉइंट बोला है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा टू पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हम लोग पास ये दो ही पॉइंट है, दो पॉइंट पर निकालना है ना दोस्तों, यहाँ पे ले लिख दो बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। देखो इस तरीके से अपने दिमाग को बोलो, अपने दिमाग को बोलेगा ये बेटा तू सोच मैं क्या करूँ, तो ऐसा बोलने का बाय टू पॉइंट, बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म, और मुझे इससे मिल जाएगा इसका इक्वेशन। ओके, तो टू पॉइंट फॉर्म का मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। या तो आप इस तरीके से लिखो, नहीं तो एक और इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव कैसे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वन। बट जो मैं आपको बताऊँ आप वो वाला लिखो, कौन सा वाला लिखो, जो मैं आपको बताया ये वाला देखो, y माइनस वाई वन अपॉन
एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, सिंपल। अब देखो मुझे मुझे y का वैल्यू पता है तो नहीं पता है, इसको रखो y, y, y मुझे y1 पता है, या देखो या 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 y1 कितना है, जीरो है। x पता है नहीं, x x1 पता है, यह टू है इक्वल टू y, आप देखो y1 पता है जीरो, y2 सिक्स है, x1 पता है माइनस वन है, x2 पता है, x2 एक मिनट ओ भाई मिस्टेक, देखो यहाँ पे x1 लगेगा मतलब टू, देखो मेरे से मिस्टेक हो गया, ये वाई, ये वाई, ये वाई वन जीरो, वाई टू सिक्स, फिर देखो एक्स वन ना टू है, एक्स टू माइनस वन है ना फ्रेंड, ऐसे ही होता है ना यार, एक्स टू होगा, एक्स टू होगा क्या, होगा तो ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन जीरो, एक्स वन मेरे पास है माइनस वन, एक्स टू कितना है ब्रो टू है, इस तरीके से ही है, सॉल्व करो इसको, इस कुछ मिस्टेक नहीं नहीं था, मुझे ऐसा लगा वाई वाई माइनस जीरो, तो वाई माइनस जीरो को अगर आप सिर्फ वाई भी देखोगे तो चलेगा, एक्स माइनस टू, जीरो माइनस सिक्स, सिक्स माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस थ्री वाई अपॉन एक्स माइनस टू, सॉल्व करो थ्री थ्री टू जा सिक्स, तो मुझे कितना कितना मिलेगा, एक मिनट को ये सॉल्व होगा डिवाइड होगा, देखो मैं भी इधर मिस्टेक करने जा रहा था, आप लोग भी समझो, अभी बहुत लोग क्या करेंगे इसको इसी पर डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे, इधर इधर बचेगा टू, अपने को ऐसा करना नहीं है, तो कैसे करने का, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी एक मिस्टेक ऐसा लिख दो, ऐसा लिखूंगा थ्री को वाई से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, थ्री वाई होगा माइनस थ्री वाई, इधर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू हुआ, अब सॉल्व होगा माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स इन टू एक्स माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस प्लस सिक्स ट्वेल्व, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट एक बात बताओ इधर माइनस आएगा क्या, माइनस आएगा, आएगा तो हट जाएगा, चलो छोड़ो आगे देखते हैं, माइनस थ्री वाई सिक्स एक्स उधर माइनस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, अब इसको ऐसा करो सिक्स एक्स आप ले लो आगे, माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, दिख रहा क्या, नहीं ओ नो सॉरी, अब दिखेगा ना, अब क्या करो इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, कुछ कॉमन ले सकते हो तो दोस्तों ले लेना, सोचना मत, मेरे हिसाब से आप लोग इसमें से कॉमन ले सकते हो, मैं इसमें से थ्री कॉमन ले लेता हूँ, देखो थ्री टू जा सिक्स टू एक्स, थ्री इंटू वाई, अब फोर थ्री जा ट्वेल्व, दैट इज माई, यही होगा ये, होगा या नहीं होगा, होगा 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 जी होगा, टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, अब बोलोगे प्लस कैसे आ गया बाबा, ये प्लस इधर भी रहेगा प्लस इधर भी रहेगा, प्लस एक मिस्टेक हो गया क्या मालूम है, ये माइनस थ्री इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो पूरा माइनस क्या हो जाएगा कैंसलेशन, देखो छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें हमारे एग्जाम में हमारे मार्क्स कटवा देती है, फोर्टी और फोर्टी नहीं आ पाता, टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये हम लोग का यहाँ पे सब क्वेश्चन ए होता है सॉल्व, स्क्रीन शॉट चाहिए तो इतना पहले आप इतना ऊपर का स्टेप्स ले लो फिर भी सॉल्व करता हूँ, इतना लिए, अब बचे हुए स्टेप्स इधर ले लो, आप लोग जो अभी तक जो जो एक मिनट स्क्रीन शॉट नहीं लिया क्या, ले लो ले लिए, देखो अब तक आप लोग जितना भी सीखे ए में सब कुछ कॉपी होगा बी और सी में, बस इसमें बी और सी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाएगा क्या, देखो यार वही बताने के लिए तो हूँ यार, बी क्या पूछा, देखो द मीडियन एडी मतलब मुझे मीडियन फाइंड आउट करना था, मैं इधर लिखूंगा मीडियन एडी सिंपल, फिर से ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल जितना बनाओगे उतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये बात मेरी याद रखना हरदम, कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत तुरंत उसके गिवन डाटा से बना लो ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, समझ में आया, ट्रायंगल बहुत इजी है, तो मैं इधर अभी लिखूंगा सिंस वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल को मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूंगा तो चलेगा, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी आर, ए का जो मुझे जो कोऑर्डिनेट दे के रखा है दोस्तों कितना दिया है थ्री और फोर दिया है, बी का मुझे कोऑर्डिनेट दिया है टू जीरो, एंड सी का भी मुझे कोऑर्डिनेट दे के रखा है, कितना दिया है सी कोऑर्डिनेट माइनस वन और सिक्स,
देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन था, दया को छोड़ के बाकी सब छाप दिया मैं अपने घर से, नहीं लिखा रे बाबा। अब देयर फॉर हम लोग का इसमें, इसका हम लोग का ओवरऑल को मीडियन फाइंड करना था, इसमें इसका मीडियन क्या है, डी है तो लिखूंगा डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट है ऑफ साइड, किसके साइड का है तो बी सी के साइड का है। समझ में आया, इतना इजी है, इजी है ना, इजी है। चलो आप बता, मीडियन निकालने का भी एक फार्मूला होता है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, x1 + x2 / 2 फिर y1 + y2 / 2, क्लास 10th में हम लोग इसे पढ़े थे। अब वो इसका इधर फार्मूला इधर अब होगा अप्लाई, इधर आप लिख ले सकते हो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज होने जा रहा है। बट अभी भी एक कंडीशन है, किस पे होगा, होगा तो किस पे, देखो ये हम लोग का ओवरऑल बी सी का हम लोग का साइड है, तो हम लोग बी सी का ही यहाँ पे लेंगे, बी का हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे और सी का, बी कितना है मेरे पास 2 0, सी कितना -1 6, मतलब हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये भी y2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, मिलेंगे का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू x1 + x2 / 2 फिर कॉमा y1 + y2 / 2। सिंपल, x1 मेरे पास कितना है देखो, इधर x1 तो इधर 2 है, x2 कितना है इधर तो -1 है अपॉन 2, y1 तो 0 दिया, y2 6 दिया है। इसको सॉल्व कर देखो, माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या प्लस, तो 1 अपॉन 2 मिल गया इसको, देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 मतलब 1 अपॉन 2 और 3 का मुझे वैल्यू मिल गया। मतलब क्या, हम लोग ये मान लें कि हम लोग का जो मीडियन है ये हम लोग का 1 अपॉन 2 और 3 है, बहुत लोग इसी पे अपना आंसर क्लोज कर देते, तो ये नहीं भाई। अभी हम लोग इसका इक्वेशन भी, इक्वेशन फाइंड करना है, क्यों यहाँ बोला है ना फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, हम लोग को इक्वेशन अभी तक मिला नहीं, मिला रे बाबा, तो फाइंड आउट कौन करेगा, टीचर, अरे हम ही लोग करेंगे, तो चलो देखते हैं। बट इसे याद रखो, इसका आगे यूज होगा, क्या इधर लिखेंगे हम स्टेटमेंट, द मीडियन, द मीडियन ए डी पासिस, हम लोग का जो मीडियन जो है, देखो आप फिगर देख के समझो, ये जो जो मीडियन है हम लोग का कहाँ से पास हो रहा है, ए और डी से पास हो रहा है, इधर लिखा है, इसलिए द मीडियन ए डी पासिस थर्ड द पॉइंट्स, थर्ड द पॉइंट्स कौन से पॉइंट से हो रहा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करो बताओ, थर्ड द पॉइंट्स ए, ए से हो रहा है, कितना 3 और 4 है, और इसका हम लोग मिड पॉइंट भी निकाल रहे, डी कितना मेरे पास है 1 अपॉन 2 और 3 एज इट इज, यही है। तो अब इसमें कुछ, इसमें हम लोग कुछ मिर्च मसाला छिड़क सकते हैं, एकदम यार वही तो छिड़कने आए हैं, मिर्च मसाला ही छिड़कने, तो इधर हम, इधर तक हम लोग आए हैं दूर तक, क्या बाय टू, इधर लगाएंगे बाय टू पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग 2.4, देखो फिर से पिछला वाला जो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा था अलग, बट अब जितना है सब लोग जैसा हम लोग ए में सॉल्व किया वैसा इसमें भी सॉल्व होगा। बट इसमें क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, वो y2 होगा, बस बताओ इसका कैसे था, y-y1 / x-x1 = y1 - y2 / x1 - x2 एज इट इज, इस तरीके से था, ऐसा था कि अलग था, ऐसे ही था, मुझे वाई पता है नहीं, वाई वन लेकिन पता है, क्या है 4 है, फोर क्या 4 है कि नहीं, अरे है रे बाबा, आप कैसे बोलूँ, एक्स पता है नहीं, एक्स वन कितना है 3 है, वाई वन पता है क्या, एक वाई वन 3 है, 3 है, 3 है, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं रे भाई 4 है, देखो नहीं रहा है, देखे वाई टू 3 है, एक्स वन पता है 3 है, एक्स टू पता है 1 अपॉन 2 है। अब तो सॉल्व हो गया, बस सिंपलीफाई कर दो, y-4 x-3, अब कुछ नहीं है, अब केवल सिंपलीफाई कर दो आंसर, देखो 4 4 4 - 3 हो गया 1, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 6 - 1 5 - 5 / 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y-4 था, इधर माइनस था, इधर जगह हो जाएगा प्लस, y2 = x-3, अब सॉल्व कर डालो, अभी देखो इधर 2 2 क्या है, अपॉन मतलब इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर 2 × x-3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 y-4, सॉल्व करो 5 × y 5 y 5 4 = 20, 2 × x 2x 3 2 = 6, इतना समझ ला का है, समझ ला तो हो मन जी, अब सॉल्व करो, अब सबको सबको उधर से इधर लेकर जाओ,
फाइव वाई माइनस ट्वेंटी उधर क्या है प्लस टू है सीधा हो जाएगा माइनस टू है, उधर क्या है माइनस सिक्स सीधा हो जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब रूल के अकॉर्डिंग के क्या होता है देखो, हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग का x इधर हो जा रहा है माइनस, तो हम लोग इसको x को इधर ना लेके x को हम लोग ये y को उधर लेगा, तो इतना स्टेप आप छोड़ दो, टू एक्स माइनस सिक्स इधर क्या प्लस में उधर हो जाएगा माइनस फाइव वाई प्लस ट्वेंटी, इधर माइनस फाइव उधर प्लस, कभी भी आगे वाला नंबर किसी भी इक्वेशन में आप माइनस नहीं पाओगे, इसलिए मैंने उधर किया। टू एक्स ऐसे रखूँ माइनस फाइव वाई माइनस प्लस माइनस तो प्लस फोर्टीन इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या नहीं, तो ये हम लोग का हो गया इसका आंसर, हम लोग का बी का इक्वेशन मिल गया। देखो ये एज इट इज इसी मेथड से सॉल्व होगा सी वाला भी, बट सी वाले में क्या आपको दो लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, समझला का है, बहुत ईजी है ना, मंजे का है, इतना इतना स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिए क्या, अरे लो लो यार तुम्हारे लिए तो हुआ यार, अब बचे हुए स्टेप इधर है इसका भी ले लो, अरे यार कैमरा भी अभी ब्लर होना था, एक मिनट देखो एकदम आप खेलिए रहे ना, हाँ एकदम झक्का दे दिख रहा है। चलो आप सी वाला फाइन आउट करते हैं, सी वाला तो दोस्तों एकदम बहुत ईजी है, सी वाला एकदम मक्खन लिखते रहे। देखो अगर जिसको बी आ गया उसको समझ लो सी आ गया, सी में क्या बोला है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, इसके मदद से हम लोग एक फिगर इसका तैयार करेंगे, ऐसा एक ट्रायंगल ले लो, फिर से बोलोगे एक ट्रायंगल कितना रे बाबा भाई, ये चैप्टर का नाम ही है लोकस, ट्रायंगल तो पाइजे, ट्रायंगल तो रहेगा, ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ से मैं एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ ये समझने के लिए, अब सिर्फ धक्का धक्का सॉल्व कर दो, मंजे का है, मंजे वंजे छोड़, ये हम लोग का फिगर होगा। ओके फिगर तो अब बन गया, हम लोग को एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, एक चीज़ शुरू से लेकर आ रही तक क्या हम लोग पास भाई पॉइंट है यार, हम लोग पॉइंट वाले व्यक्ति, हम लोग रॉयल इंसान है, रॉयल, ए का मेरे पास थ्री फोर है, बी का मेरे पास टू ज़ीरो है, सी मुझे दिया माइनस वन और सिक्स, इसी के बेसिस से हम लोग सब कुछ निकाल के रख देंगे सामने, बट इसमें एक थोड़ा सा लफड़ा है, लफड़ा क्या है, इधर हम लोग को क्या बोला है द लाइन पासिंग, थोड़ा आपको क्रॉस दिखेगा एक मिनट, अब प्रॉपर है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, इसमें हम लोग का दो दो साइड दिया है, एक ए बी और एक बी सी, मतलब हम लोग का ए बी के लिए मिड पॉइंट डी होगा और बी सी के लिए मिड पॉइंट ई होगा, और हम लोग को डी और ई का क्या निकालना है, इक्वेशन ईजी है, इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, देखो कैसे, लेट मैं मान रहा हूँ डी एंड ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड बी सी। देखो मैं आपको साथ ही साथ स्टेटमेंट भी लिखना सिखा रहा हूँ, कैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, मैंने डी और ई को माना तो एक इसका ए, हम लोग का ए और बी का हम लोग का ए साइड और ए बी और सी का साइड है। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला इधर लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन डिवाइड बाय टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, बट इसमें थोड़ा सा दो बार यूज होगा, क्यों देखो एक बार डी के लिए और एक बार ई के लिए, पहले डी वाला यूज करते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, अब हो गया दिक्कत, अब सब बोलेंगे हम लोग सर बोलेंगे भाई हम लोग इसमें से कौन सा कॉर्डिनेट ले, ए ले बी ले सी ले, देखो डी हम लोग का क्या है ए और बी का साइड है, ए और बी का है साइड, तो मतलब हम लोग का ए और बी का कॉर्डिनेट लेंगे, इसमें ये एक्स वन है, ये वाई वन है, एक्स टू है और ये वाई टू है, एक्स वन थ्री है, एक्स टू टू अपॉन टू, वाई वन फोर है ज़ीरो, इसको सॉल्व करो, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव अपॉन टू कभी सॉल्व होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा, टू वन जा टू टू जा फोर, मतलब टू फाइव अपॉन टू और टू, मुझे यहाँ पे डी का मिल गया, मैं इधर ही बगल में निकाल लेता हूँ ई का भी, आप लोग इसके नीचे निकालना, मैं इसके बगल में निकालता हूँ, फार्मूला सेम, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन, सॉल्व कर दो, एक मिनट थोड़ा सा वन सेकेंड, अब प्रॉपर है,
एक्स, अब देखो अभी ई नहीं, तो ई का हम लोग का साइड क्या है, बी वैसे मतलब बी और सी का देखो, बी एक्स वन कितना, ए एक्स वन है, ए वाई वन, ए एक्स टू, ए वाई टू, एक्स वन कितना है टू प्लस माइनस वन, वाई वन जीरो है प्लस सिक्स, सॉल्व करो देखो प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक गया बचा एक, बड़े साइड प्लस है इसलिए प्लस हो गया, वन अपॉइंट टू, टू वन जा टू, टू टू थ्री जा, तो वन अपॉइंट टू और थ्री मिल गया मुझे, ये दोनों पॉइंट मिल गए मुझे, ये दोनों पॉइंट मिल गए, मिल गए तो बस अब यहाँ लिख दो क्या, बाय यूजिंग कौन सा टू पॉइंट फॉर्म, अभी तक हम लोग वही, क्योंकि हम लोग पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, टू पॉइंट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, बताओ जल्दी जल्दी, नहीं पता मैं बताता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स फिर वाई 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 टू माइनस वाई वन। बहुत लोग कन्फ्यूज बोलोगे भाई अब तक तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या किया, मैं बोलेगा क्या क्या किया बताओ, तुम बोलोगे प्रीवियस क्वेश्चन में तो तुमने किया वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू, तुमने इधर ऐसा अलग क्यों लिखा, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। देखो चाहे आप ये लिखो चाहे वो लिखो, सॉल्व करने पर दोनों का आंसर राइट आएगा, दोनों का आंसर राइट ही आएगा, ये 101% गारंटी है। ठीक है शुरू हो जाओ, x की वैल्यू पता है नहीं, x1 पता है 5.2 है, ये यही है ना 5.2 ले लिख दो, हिंदी में इसको बोलते हैं 5/2। x2 पता है ये 1/2, x1 पता है 5/2, इसको सॉल्व करो, y पता है नहीं, y माइनस वन पता है 2, y2 पता है या ये जो है 3, और y1 2 पता ही है, 2 इंटू एक्स टू हो गया 2x-5, इतना तो दिख ही रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब देखो देखो मैं बोला था ये लेक्चर आधा घंटे का जाएगा, ऑलरेडी 22 मिनट हो चुका है, देख रहे हो, चलो देखें 2 2 हो गया, इस पर कॉमन 2 5 10 माइनस टेन, टू 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 देखो 2 5 10 2 5 2 ओके, इसको सॉल्व करो, y माइनस टू ऐसे ही रहेगा, 3 में से 2 गया बचा एक, फाइनल स्टेप पे अब है देखो 2x-5 10 में से 2 गया बचा 8, वो भी माइनस 8/2 मतलब 2 4 जाए तो बच गया इधर -4 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 और ऑस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2x-5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई उतना ही होगा ना, फिर ये 4 इधर हो जाएगा -4 वाई माइनस 2 के साथ का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको सॉल्व करो 2x-5 वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 into y-4 4 2 8 +8 सब इक्वल किया, अभी इस तरफ लेकर जाओ 2x-5 हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा +4y-8 इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो 2x हो जाएगा, फिर आ जाएगा वाई माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -8 5 13 इक्वल टू 0, ये हम लोग का इसका इक्वेशन मिल गया और ये हम लोग का फाइनलाइजिंग इसका आंसर है। देखें बस थोड़ा सा लेंदी है, क्या लेंदी क्वेश्चन से बट है बहुत ईजी, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 तरफ जंप करता हूँ। ले लिए, मुझे उम्मीद है कि ले चुके होंगे, बचे हुए स्टेप्स इसका भी ले लो, ले लिए क्या, अरे मंजे का है, आप स्क्रीनशॉट लिए तो सही ही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है रे बाबा, बट करेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। चलो आ जाओ 7 में, कब जाए, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ए दिया है x3/x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, बी दिया है 3x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1, सी दिया 2x-3y प्लस 2 इक्वल टू 0, मारी डाला रे बाबा मारी डाला, कोई बात नहीं चलो सॉल्व करते हैं, ए भी थोड़ा सा लेंदी नहीं होगा, होगा देखते हैं, ए है इसे मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, मुझे उसमें बोला नहीं बट देखो बोला फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब इक्वेशन ही होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, मुझे देखो ए में क्या क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 इसी तरीके से दिया है, मैं इसके इसको क्या करूँगा कंपेयर विथ किससे कंपेयर करूँगा दोस्तों, कंपेयर करने जा रहा हूँ तो किसके साथ, कंपेयर मैं करूँगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन से कंपेयर कर दूंगा। कंपेयर करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, आराम से आएगी यार। देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर अब लिखूंगा। देखो कैसे, एक्स इंटरसेप्ट मुझे निकालना था तो एक्स का मैं इंटरसेप्ट निकालता हूँ। एक्स अपॉन ए मतलब एक्स एक्स से इक्वल टू ए इक्वल टू थ्री, मतलब एक्स मिल गया थ्री। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, बी इक्वल टू टू। यहाँ पे आपको ए और बी आप मतलब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर सेवन का ए होता है सॉल्व, स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो। देखो कितना इजी था, इजी है नहीं, इजी है या नहीं, इजी है। चलो अब बढ़ते बी की तरफ। बी में भी सेम ऐसे हम लोग बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसको सॉल्व करते हैं, धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले इक्वेशन क्या, देखो थ्री एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन, ऐसा मुझे बोल के रखा है। टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो इसमें इमीडिएटली लिखा है, इसलिए मैं बार बार दिखा नहीं रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा चला भी जाएगा। मैं इतना लंबा लेक्चर कभी किसी का बनाता हूँ नहीं, किसी का अपना खुद नहीं बनाता हूँ यार, किसी का क्या बोलूँ। अब कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग इसको देख के? आपको लोग को कुछ दिमाग में घंटी वंटी बज रही है? नहीं बज रही है, कोई बात नहीं। देखो थ्री एक्स अपॉन टू रखो, डिवाइडिंग बाय थ्री कर दो, डिवाइडिंग बाय थ्री, थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ। किसको, किसको, केवल इसी को, थ्री एक्स अपॉन टू को थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कैसे होगा, देखो मतलब थ्री थ्री कट गया, एक्स टू से भी होगा डिवाइड, तो टू टू से थ्री होगा टू अपॉन थ्री, और ये ऐसे आ जाएगा प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन। मैंने थ्री से क्यों डिवाइड किया, इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा, बताता हूँ। मैं इस थ्री को ख़त्म करना चाहता था। क्यों ख़त्म करना चाहता था, उससे मेरी क्या दुश्मनी थी बताता हूँ। अभी मैं इस टू को भी ख़त्म करना के लिए सोचूंगा। टू वाई अपॉन थ्री डिवाइडिंग बाय टू, अगर टू से डिवाइड कर दो तो मेरा हो जाएगा ख़त्म। तो मुझे क्या एक्स अपॉन देयर फॉर है टू अपॉन थ्री, ये एज इट इज सेम है, टू टू होगा कैंसिल, वाई थ्री अपॉन टू हो जाएगा। अबे आपको किसके फॉर्म में लग रहा है दोस्तों, डबल इंटरसेप्ट के फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन आ गया क्या? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, बस वही यही है। देखिए अब समझ में आया मैंने इसको क्यों बार बार इसको उससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, क्योंकि मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको करना था। कंपेयर विद एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, सॉल्व कर दो, मुझे एक्स इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? एक्स इंटरसेप्ट मेरा फाइनल आंसर हो रहा है ए इक्वल टू टू अपॉन थ्री, और वाई इंटरसेप्ट मुझे क्या क्या मिल गया, वाई इंटरसेप्ट मुझे क्या मिल गया, थ्री अपॉन टू, दैट इज माई फाइनल आंसर। बी वाला देखें कितना इजी, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, और आज का लास्ट क्वेश्चन से सब क्वेश्चन सी ले लिए। चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन का सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का सी फिर से वही सेम इक्वेशन, सेम टू सेम जैसा अब तक हो रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इस क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे क्या दिया है, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब हो गया टेंशन, अब सब बोलोगे भाई इसमें हम लोग कैसे इसको कंपेयर करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन में, कैसे कंपेयर होगा? होगा देखो खो कैसे होगा, टू एक्स है माइनस थ्री वाई, टू एल इधर क्या प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टू एल, यही होगा। अब क्या करूँगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई वैसे ही रखो, इधर है क्या है, बहुत लोग बोलोगे माइनस में, अरे नहीं रे बाबा माइनस में नहीं है, डिवाइड में, क्या डिवाइड में मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है ना उधर। अभी बोलोगे जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि इधर प्लस था उधर गया माइनस, बट उधर से इधर लेके आएंगे तो दोबारा प्लस में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा माइनस टू एल, इधर इक्वल टू बच गया वन। अब करना क्या है, टू एक्स इधर एक बार ले लो माइनस टू एल, एक बार माइनस थ्री बार ले लो माइनस टू एल इक्वल टू वन। अब सॉल्व करा लो कैसे, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो टू टू ले लिए कॉमन, क्या बचा एक्स अपॉन सिक्स माइनस सिक्स, ये माइनस माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा भाई, हो गया ना बवाल, हो गया बवाल। इसमें से मैंने टू कॉमन ले लिया,
इसमें से क्या कॉमन लूँ, इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा, 3 लूँगा कॉमन, तो क्या क्या बचेगा, वाई अपॉन 4 एज इट इज़ इक्वल टू 1। तो अब 2 और 3 को छोड़ो बाहर में, एक्स अपॉन -6 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हो इसको आप करो, क्या करोगे, कंपेयर विद जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग विद, हम लोग क्लास 10th में क्या क्या करते थे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वैसा इधर भी कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो मुझे अब मैं इधर था इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट मुझे कितना मिल गया, एक्स इंटरसेप्ट कितना मिल गया, -6 मिल गया, और वाई इंटरसेप्ट मुझे कितना मिल गया फ्रेंड, वाई इंटरसेप्ट मुझे 4 मिल गया, 4। स्क्रीनशॉट चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप ले चुके होंगे। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक होता है सॉल्व, कल के दिन एक्सरसाइज 5.3 पूरा हो जाएगा, डिक्लेयर। ओके, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी इस चैप्टर में टोटल एक एक्सरसाइज बचा और है, वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।